समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी जहां इसे लेकर सपा पर हमलावर है, तो वहीं अब बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे राजनीति से भरा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की बातों से धार्मिक विवाद पैदा होगा, इन बहकावे में अब कोई आने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का क्यों नहीं होना चाहिए, नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। आगे उन्होंने कहा कि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवादों को जन्म देने वाला विशुद्ध राजनीतिक बयान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल से हमारे पुराणों में होता आया है। उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वो इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और वो हमारी संस्कृति से भलीभांति परिचित हैं। डिंपल यादव को स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देना चाहिए, ये बयान निंदनीय है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था, आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया था। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी, हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विवादित बयानों की श्रृंखला ही 2024 में सपा के अंत के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, केशव मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी विवादित बयानों के पीछे अखिलेश यादव की योजना है, सामाजिक एकता को मजबूत करने की जरूरत है, सपा की नीति और नियत सही नहीं है, राजनीतिक दलों का काम जनता की सेवा करना है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब